में और अब देख भी रहे हैं पिछले 8 दिन से 7 दिन से 21 अक्टूबर को पुलिस मार्टियर डे मनाया जाता है, उसी की कड़ी में इस साल ये प्रोग्राम बना के 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि एक दिन में हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते थे। उसमें PSPO की तरफ से हमें आया कि इसको तकसीम किया जाए और मुकम्मल तरीके से इसको कवर किया जाए, ताकि कोई फैमिली हमारी ऐसी ना रह जाए जिस तक हम शहीद की फैमिली जिस तक हम ना पहुँच सकें, वहाँ उनको क्या ज़रूरियात हैं, क्या परेशानियाँ फील कर रहे हैं वो ना जान सकें। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पुलिस बैंड शो हमारी अपनी पार्टी कर रही है, जिसमें देशभक्ति के की धुनें जो हैं वो बजाई जा रही हैं लोगों तक एक मैसेज। ये ऐसी जगह थी अपने शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल बस स्टैंड के ऊपर है, और सारा गांव के लोग भी सुबह यहीं आके उतरते हैं, तो एक मैसेज जाता है कि वो लोग जिन्होंने देश की राह में अपनी जानें कुर्बान की हैं, हम उनको भूले नहीं हैं। डिपार्टमेंट उनको नहीं भूला, वतन उनको नहीं भूला है, जिस वतन के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। और ये लोगों तक भी जाएगा कि इस महकमे के अंदर जो जान देता है वतन के लिए, फौज के अंदर, पुलिस के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर, उसको भूला नहीं जाता, याद रखा जाता है, और उनके ख़ानदानों के जो उनके बाकी रहने वाले पीछे हैं उनको बेसहारा नहीं छोड़ा जाता। तो उसी सिलसिले में ये था आज, और इस बार हमने एक स्पेशल बनाया कि हर मार्टियर के घर में हमारे लोग जाएंगे, ऑफिसर जाएंगे, गेजेटेड ऑफिसर हर मार्टियर के घर में, हर स्कूल के अंदर जाके हमने उनमें उस इलाके का जो शहीद है हमारा उसकी वहाँ तस्वीर लगाई जाएगी, ताकि बच्चों के अंदर वो जज्बा रहे, और एक तो उनको हम खराज अकीदत पेश कर सकें, और दूसरा नई पौध के अंदर ये मैसेज पहुँचा सकें कि वतन पे जो मिटने वालों का, मर मिटने वालों का नाम हमेशा जिंदा रहता है। पुलिस हमेशा यहाँ आए दिन ऐसे क्रिएटिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, जिससे पब्लिक में उत्साह पैदा होता है, ये शो करता है, ये आज के दौर में म्यूज़िक का जो कंसर्ट लेके चलना, ये शो करता है कि हमारी जो फोर्सेज हैं इनके मोराल बड़े हाई हैं, और इससे पब्लिक में भी एक मैसेज आता है कि हमें भी यहाँ इस मुश्किल दौर में भी, एक तरफ कोरोना है, दूसरा यहाँ बॉर्डर है, आए दिन यहाँ फायरिंग होती है, फिर भी यहाँ जो हमारी फोर्सेज हैं, हमारे जो एहलकार हैं पुलिस के, यहाँ के SP साहब हैं, यहाँ के बाकी SHO है या DSP वगैरह हैं, इनका जो एक पब्लिक की ताई जो प्यार है, एहसास है, ये जताता है कि ये लोग कितने सिंसियर हैं हमारे लिए, और पब्लिक का किस कदर इनको सपोर्ट भी है। जहाँ तक इस स्थान का सवाल है, ये मंजीत सिंह हमारे यहाँ इसी स्थान में शहीद हुए थे, मेरे ख्याल में इनके इस स्थान पर आके ये शो करना ये भी दर्शाता है कि हम सबको इस जो ये बहादुर हमारा जहाँ शहीद हुआ था इसके प्रति कितना प्यार है, कितना एहसास है, इसने हमारी जान की खातिर, हमें बचाने की खातिर अपनी जान की कुर्बान दी। तो हम आज के दिन एक बार फिर यहाँ की ज़िला इंतजामिया जो पुलिस की इंतजामिया से मुबारकबाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह से प्रोग्राम करके लोगों में उत्साह, एक हौसला और एक प्यार का सिलसिला चलाते रहे। आज जो बैंड शो किया गया इतने पुलिस तरफों, सब तो पहला श्रद्धांजलि देने मनजीत सिंह जो सन इतने के DSP जो 2013 शहीद हुए सब वापस डे मना वास्ते आए, और बैंड शो ने बड़ा अच्छा शो लाया, जिसके पुलिस की बहुत बड़ी मेहनत है। अस लोग आम तौर पर पुलिस से भरोसा रखते हैं, अगर पुलिस इस तरीके के नाल उत्साह देने मार्च डे बनाते रहन, लोगों को अगे करते रहन, मेरे ख्याल में जो पुलिस की भर्ती होएगा बड़े खुशी ना, बड़े अच्छे चाह आ जाएगा। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारी पुलिस टीम का बहुत धन्यवाद हाँ, एक बार फिर मैं मनजीत सिंह जो DSP शहीद हुए सन 2003 उन्होंने श्रद्धांजलि देना चाहता हाँ।